चाहे किसी का थकान हो, कमजोरी हो और खून का कमी हो, आज से होगा उसका खत्मा। आप कमजोरी दूर करने का उपाय ढूंढ रहे हो तो आप सही वीडियो का चयन किए हो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में तीन बेस्ट मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो आपका शारीरिक कमजोरी, थकान, आपका हड्डी को मजबूत और खून को कमी को पूरा करेगा। खाली इतना ही नहीं, इसका साथ साथ आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आपको अगर हाथ पैर में दर्द हो रहा है, जोरों में दर्द हो रहा है, तो भी आप उससे ठीक हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो काफी खास और वैल्यूएबल होने वाला है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका साथ साथ दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट। आज तीन इंपॉर्टेंट मेडिसिन का बारे में बताएंगे। पहला वाला तो काफी पॉपुलर है और आप सब लोग इसको जानते हैं और डॉक्टर भी इसका दवाई के ऊपर काफी भरोसा करते हैं। और दो नंबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और तीन नंबर का तो क्या कहना है। तो आप वीडियो में बने रहना, एक एक करके हम बताएंगे। चाहे स्टूडेंट हो, युवा हो, सबका आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में कमजोरी, थकान, चिंता और सुस्ती नजर आता है। तो इसको दूर करने के लिए आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर एक टैबलेट देते हैं जिसका नाम है ए टू जेड टैबलेट। जी हाँ, आपने सही सुना है, ए टू जेड टैबलेट। आजकल युवा लोग नॉन वेज का तरफ जा रहा है और सोच रहे हैं चिकन, अंडा, मछली और भी प्रोटीन सोर्स खाने से शरीर में एनर्जी बढ़ेगा, फुर्ती आएगा और इम्यूनिटी बूस्ट भी होगा। लेकिन इसमें कुछ मेडिसिन ऐसा भी है जो कम पैसा में आपको बहुत सारे फायदा दिला सकते हैं, उनमें से ए टू जेड भी एक है। 15 टैबलेट का कीमत है सिर्फ 125 रुपया और एल्केम लेबोरेटरीज द्वारा बनाया गया एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड का दवाई है ए टू जेड टैबलेट। ये इंडिया में मिल जाता है। ना मिलने का स्थिति में नीचे हमारा बाय लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी खरीद कर सकते हो। आपका पोषण का कमी हो गया है, शरीर कमजोर हो गया है क्योंकि आप खाना नहीं खा पा रहे हो, खाना खाने का इच्छा नहीं हो रहा है। आपको जो भी खाना मिलता है, हो सकता है उसको प्रोटीन, खनिज या और दूसरा पोषक तत्व जो हमारा शरीर में आवश्यकता है उसका कमी हो जाता है। तो एक ही टैबलेट रेगुलर खाने में आपका ये सब फायदा दिला सकते हैं। आपका होल जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए, जनरल वीकनेस दूर करने के लिए और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और थकान से फ्री होने के लिए आप रेगुलर एक टैबलेट खा सकते हो। तो अभी सवाल होता है जी, इसको खाने का क्या तरीका है, कैसे डोज, किस टाइम में लिया जाए। तो जिसको उम्र है 16 साल से लेकर 50 साल का बीच में है तो एक टैबलेट चाहे सुबह नाश्ता का बाद या लंच करके खाने का बाद पानी का साथ लिया जाता है। इसका सिरप भी मिल जाता है। अगर आप इसका डिटेल्स जानकारी चाहते हो तो टैबलेट के लिए ए वाला वीडियो देख लेना और ए टू जेड सिरप के लिए ए वाला वीडियो देख लेना। तो आप बोलोगे भाई ए टू जेड टैबलेट में ऐसा क्या है ताकि हमारा शरीर को स्ट्रांग बनाता है। तो थोड़ा सा इसका कंपोजिशन के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ए टू जेड एक मल्टीविटामिन टैबलेट है। इसमें लाइकोपीन, विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन ई, कैल्शियम पेंटोथेनेट, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन B9, जिंक, मैंगनीज, कॉपर और सोडियम भी है। वाह क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। जो लोग नए हो प्लीज फार्मासिस्ट कुंडू जी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबको वीडियो मिल सके। और जो लोग सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी हम ऐसा एक दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका कमी से बच्चे का रिकेट्स नामक भयंकर बीमारी हो जाता है, जिसमें हाथ पैर में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो जाता है और जो उम्र वाले है वयस्क लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस नामक भयंकर बीमारी हो जाता है। जब कोई मरीज विटामिन डी का कमी से जूझता है तब डॉक्टर एक दवाई लिखते हैं जिसका नाम है D3 Must 60K, यानी 60,000
इंटरनेशनल यूनिट, याद रखना नाम। एक च्यूवल टैबलेट है, चार टैबलेट एक ही स्ट्रिप में आता है। आप हफ्ता में एक टैबलेट लीजिए दूध का साथ कुछ खाने का बाद, स्पेशली आप नाश्ता का टाइम में या नाश्ता का बाद लेते हो तो बढ़िया रहता है। ऐसा करके हफ्ते में एक दिन एक ही टैबलेट खाना है, चार टैबलेट का स्ट्रिप होता है और इसका कीमत है सिर्फ 78 रुपीज। मैनकाइंड फार्मा इसका उत्पादक या मैन्युफैक्चरर है। ये इंडिया में मिल जाता है, ना मिलने का स्थिति में नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा बाय लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहां से भी खरीद कर सकते। इसका उपयोग क्या है? विटामिन डी का कमी को उपचार और रोकथाम के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हड्डी से संबंधित कुछ स्थितियों में और जब शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती है, जैसे कि बुजुर्ग में, सर्जरी का बाद, बढ़ते बच्चा में, ये जब हड्डी मजबूत करने का बारी आता है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। जो D3 मास टैबलेट है इसमें कैल्शियम भी होता है जो आपका मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत मदद करते हैं। ये आपका हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। आप इसका साथ साथ अगर डेली 15-20 मिनट के लिए धूप में बैठ जाओ तो बहुत बढ़िया ये काम करता है। अभी कई लोगों को क्वेश्चन आता है जे हमारा आयरन का लेवल को कैसे ऊपर उठा सकते हैं, कैसे एनीमिया से हम छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हमारा खून का जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसका कारण शरीर में वीकनेस आ जाता है, खाने पीने में मन नहीं लगता, स्किन ढीला पड़ जाता है, थकान महसूस होता है, इवन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ज्यादा अगर लेवल डाउन हो जाए तो आंखों का नीचे अंधेरा भी छा जाता है। तो आपको डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर एक बहुत मशहूर दवाई लिखते हैं जिसका नाम है ऑट्रिन कैप्सूल। फाइजर लिमिटेड द्वारा बनाया गया 30 कैप्सूल का कीमत है 165 रुपीज। ना मिलने का स्थिति में नीचे डिस्क्रिप्शन में बाइंग लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहां से भी खरीद कर सकते हो। आपका अगर आयरन का कमी हो गया है, हीमोग्लोबिन का कमी हो गया, जो नॉर्मल जो एडल्ट है मेल के लिए तो 12 होना चाहिए HB लेवल, फीमेल के लिए बोला जाए तो ये 13 होना चाहिए, कोई कोई भी 14 भी मान के चलते हैं। इससे अगर कम हो जाए तो आपको आयरन का कमी माना जाता है, एनिमी का आप बन जाते हो। तो इसके छुटकारा पाने के लिए आपको रेगुलर बेस पे इस कैप्सूल को, एक कैप्सूल वा किसी किसी को दो कैप्सूल भी डॉक्टर बताते हैं, एक सुबह एक रात को कुछ खाने का बाद उसको पानी के द्वारा निकाल लेना है। ना इसको आप तोड़ सकते हो, ना तोड़ मोड़ के कैप्सूल को निकाल सकते हो, आपको डायरेक्ट कैप्सूल लेके पानी का साथ खाने के बाद लेना पड़ता है। पहला 15-30 दिन आप लीजिए, फिर डॉक्टर को बताया, फिर डॉक्टर इसको आगे बढ़ाएंगे पोजीशन देख के। बोलोगे भाई ये ऑट्रिन कैप्सूल में क्या क्या चीज मिलता है ये भी बताइए। इसमें साइनोकोबालामिन होता है 15 माइक्रोग्राम, फेरस फ्यूमारेट होता है 300 माइक्रोग्राम और फोलिक एसिड 1.5 मिलीग्राम। तो इसमें बहुत अच्छा विटामिन बी का कॉम्बिनेशन भी है और आयरन का कॉम्बिनेशन भी है। तो आपका इसका साथ साथ जोड़ों में अगर प्रॉब्लम है, मजबूती देना है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है काफी, तो भी ये इसको आपको ठीक करेगा। कई लोग बोलते हैं जी क्या ये बाल गिरने में भी यूज कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, अगर आपको बाल गिर रहा है तब भी ये कैप्सूल फायदामंद होगा, क्योंकि हमारा जो बालों में जो स्काल्प होते हैं, जिसको पर बाल होता है, तो स्काल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी सुचारू रूप से ये अच्छा बना देते हैं। किसी किसी को अगर ये खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो तो हरी सब्जी खा लेना और पानी का मात्रा बढ़ा लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है जो स्टूल का कलर चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें घबराने का कोई बात नहीं। आप रेगुलर बेस में थोड़ा पानी का मात्रा बढ़ा दीजिए, हरी सब्जी का मात्रा बढ़ा दीजिए, तो 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। हमारा और एक चैनल है जो हेल्थ रिलेटेड है, नाम है हेल्दी माइसेल्फ, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहां जाए और अच्छे अच्छे लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियो पाए। कई लोग बोलते हैं बहुत दिन से खाज खुजली हो रहा है तो क्या करें, तो राइट वाला वीडियो देख लेना। कई लोग बोलते हैं लीवर को अच्छा रखने के लिए कोई टैबलेट है, तो लेफ्ट वाला वीडियो देख लेना। धन्यवाद।